हेलो दोस्तों, एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पेपर हमारे नज़दीक आ रहे हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम है। कम टाइम में हम एक क्विक रिविज़न कैसे कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर पहला लिया है संविधान क्यों और कैसे। रिविज़न वीडियो है, कहाँ से करेंगे? सपोर्टिंग मटेरियल से। सभी के पास सपोर्टिंग मटेरियल है, कैसे पढ़ना है इसको इस पे ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम सपोर्टिंग मटेरियल खोलते हैं तो उसमें हमें समरी मिलती है। तो हमें क्या करना है, समरी को पूरे अच्छे से पढ़ना है। जो भी समरी के अंदर हमें लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। हाईलाइट करेंगे, हमारे पास एक हाईलाइटर होना चाहिए, उससे हाईलाइट करते जाएंगे। अब हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि पूरा का पूरा रंग दो, जो इम्पोर्टेंट लगेगा केवल उसको ही हाईलाइट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब मान लो हमने पढ़ लिया, मान लो कि ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। अब देखो हमें करना क्या है, एक बात समझ लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे। सॉरी, तबीयत ख़राब है मेरी, 2-3 दिन से मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो वीडियो में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का, इग्नोर करना। अब देखो भाई, क्वेश्चन आप देखोगे आपके पास आएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 1 मार्क के क्वेश्चन। ये जो है ये 1 नंबर के क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें ना इसको पढ़ना है क्वेश्चन को। अगर हम समरी को अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर हमने समरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो दोस्तों हमें इनके ना आंसर समरी से ही मिल गए होंगे। लेकिन अगर आपने मान लो कि समरी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको हो सकता है कि इनके आंसर ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो। तो कैसे करना है अब देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यार, ये तो सबसे बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप आपको पूरे साल में कम से कम ये तो सीख ही गए होंगे संविधान क्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये ध्यान से देखो। मान लो मुझे संविधान क्या है आता है, मुझे आता है भाई संविधान क्या है, इसे छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे आओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे। मान लो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो मैंने क्या करा भाई, उस क्वेश्चन पे निशान लगा लिया जो मुझे नहीं आता। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये मुझे आता है तो मैंने इसे छोड़ दिया। मान लो मैं आगे जाता हूँ, समाज के सदस्यों के एक न्यूनतम समन्वय को और विकास बनाना किसका पहला कार्य है। मान लो कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, मैंने इसे क्या करा, टिक कर लिया। इस तरीके से भाई मैंने पूरा का पूरा पढ़ा, हो सकता है मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया। तो यहाँ से देखो मुझे क्या पता लगा, मुझे ये पता लग गया कि भाई मुझे 15 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आते थे, 15 में से 4 नहीं आते थे, बाकी मुझे आते थे। तो अब मैं क्या करूँगा, उन 4 क्वेश्चनों पे ध्यान से पढ़ूंगा, उनके आंसर मिलाऊंगा। हालांकि ये तरीका है तुम्हारा पढ़ने का, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो चलो मैं आपको सबके आंसर थोड़े 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 बताते चलता हूँ। लेकिन आपको तरीका यही अपनाना है, आपको क्या करना है, समरी पढ़नी है अच्छे से। समरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो आपको लगते हैं आते हैं उसे छोड़ो, जो आपको नहीं आते उन पर निशान लगाओ, और जिन जो नहीं आते उनको आपको याद करना है, समझना है, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन था संविधान किसे कहते हैं, तो आपको पता ही होगा, इसका जवाब बताने की जरूरत तो है नहीं। दूसरा क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। मान लो भाई मुझे नहीं आता था समिति, तो मैं उस समिति को याद कर लूंगा। कौन सी समिति के अध्यक्ष थे ये, प्रारूप, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ठीक है, प्रारूप समिति। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर लिख लेना है, याद कर लेना, जो भी है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होगा कि 9 दिसंबर, 9 याद है आपको, मैंने पढ़ाया था 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, ये क्या हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक। पहली बैठक में एक अस्थायी सदस्य बनाया गया था। अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद होगा अगर आपको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। और अगली ही बैठक में, यानी कि अगली जो बैठक थी उसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पूरी कहानी मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था वहाँ बता रखा है, अगर आपने वीडियो वहाँ का देखा है तो आपको अच्छे से याद होगा। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा सामने ये है कि समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बनाना किसका पहला कार्य होता है? तो आपको पता होगा भाई, संविधान। क्योंकि संविधान तो एक ऐसी चीज है, समन्वय का मतलब होता है बैलेंस बनाना, कि समाज के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में कम से कम एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि आपको पता है समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, हिंदू भी रहते हैं यहाँ पे, मुस्लिम भी रहते हैं यहाँ पे, सिख भी रहते हैं यहाँ पे, क्रिश्चियन भी रहते हैं यहाँ पे, जैन भी रहते हैं यहाँ पे, बौद्ध भी रहते हैं। ये तो भाई अलग अलग धर्मों की बात है, ठीक है? सबके धर्म अलग है, सबके तौर तरीके अलग है। यहाँ पे भाई बिहार के भी रहते हैं यहाँ पे, यूपी के भी रहते हैं यहाँ पे, बंगाल के भी रहते हैं यहाँ पे, पंजाब के भी रहते हैं, गुजरात, अलग अलग स्टेट के हो सकता है कि रहते हो लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग तरीके से रहने वाले लोग, उनके तौर तरीके अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका खान पीन अलग है, उनकी जो संस्कृति अलग है, उनका बहुत मतलब काफ़ी डिफरेंस है उनके बीच में। तो इन सारी चीज़ों में एक बैलेंस कौन सी चीज़ बनाएगी भाई? तो हमारा संविधान बनाएगी। क्योंकि संविधान जो कानून बनाएगी ना, वो वही कानून हिंदू के लिए, वही मुस्लिम के लिए, वही मतलब सभी के लिए, वही कानून इनके लिए होगा। मतलब जो संविधान में जो बातें लिखी होगी ना, वो सबके लिए क्या होंगी दोस्तों? कॉमन होंगी, ठीक है? तो आपको हमें ये सारी चीजें याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का, संविधान। पांचवा क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण दो। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला, ये वाली कहानी तो पता ही होगी। कि आपको पता है कि भाई जो साउथ अफ्रीका जो था वहां पर, इसने यही तो पूछा है, नस्ल नस्ल भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण बताओ। तो साउथ अफ्रीका आता है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे ना नस्ल को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। सॉरी। छठा क्वेश्चन है सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठाने, ठीक है, इसका आंसर बनेगा कि आंसर ये क्वेश्चन ये था कि संविधान सरकार को कौन सा सामर्थ्य प्रदान करता है? तो इसका आंसर आपके सपोर्टिंग मटेरियल में ये है कि सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठाने और सामर्थ्य प्रदान करने। यानी कि देखो संविधान जो होता है ना, वो सरकार को मतलब एक अच्छा काम करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है, यानी ताकत प्रदान करता है, जिससे वो जनता का भला कर सके। अब आ गया है संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। अब मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए कौन से हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है संविधान क्या है, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत पूछे जाते हैं एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद नस्लीय भेदभाव वगैरह इतने कम ज्यादा नहीं पूछे जाते। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, सातवां। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां। संविधान की प्रस्तावना बताना है भाई। तो संविधान का प्रस्तावना, जैसे कि आप कोई बुक खोलते हो ना, आपको मान लो मैंने एक बुक दी, तो आप बुक में सबसे पहले क्या देखोगे? आप पेज खोलोगे, उसका देखोगे इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है दोस्तों? इंडेक्स में हमें सारे चैप्टर के नाम लिखे होंगे, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि इस बुक में ये चीज़ें हैं। हम यही तो चेक करते हैं, हम पूरी बुक थोड़ा ना पढ़ लेंगे उसी टाइम पे, हम खाली इंडेक्स देखेंगे। इसी तरीके से ये जो हमारा संविधान है ना, संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी एक इंडेक्स की तरह ही काम करती है। यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसी से हमें संविधान का परिचय पता लग जाता है, ठीक है? यानी संविधान का इंट्रोडक्शन हमें पता लग जाता है प्रस्तावना में। अगर आपको पता हो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण, इस तरीके से जो हमारी प्रस्तावना में वो उद्देशिका वगैरह लिखी थी, आपकी बुक में पहले पेज पे लिखा होता है शायद, आप देखना। तो ये क्या है, हमें एक पेज में ही पूरे संविधान की डिटेल पता लग जाती है। अगला क्वेश्चन है कठोर संविधान किसे कहते हैं? यहीं से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, लचीला संविधान किसे कहते हैं? अब बताओ भाई, कठोर संविधान कौन सा और लचीला कौन सा है? बहुत आसान है, जिस संविधान में कोई बदलाव कर पाना काफी मुश्किल हो वो कठोर है, जिस संविधान में बदलाव कर पाना ज्यादा मुश्किल ना हो वो लचीला संविधान है। तो यहां से हम दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 14 अगस्त 1947 को विभाजन, भारत के संविधान सभा सदस्य कितने थे? ठीक है, वैसे हमारे संविधान का जो वो क्या कहते हैं, देश का जो विभाजन हुआ था वो 15 अगस्त को हुआ था, हालांकि वो मध्य रात्रि में हुआ था ना, तो वो 14 अगस्त 1947 ही कहा जाता है, ठीक है? तो बात करते हैं यहाँ पे संविधान सभा में सदस्य कितने बचे थे।
तो यहाँ तक भाई मुझे याद आ रहा है कि 389 तो हमारे संविधान में पूरे सदस्य थे, टोटल मेंबर। लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग जो थी उसने क्या करा था, संविधान सभा का बहिष्कार किया था, संविधान सभा को बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद कितने सदस्य बचे थे अगर आपको याद हो, 299 बचे थे। ये मैंने बिल्कुल रट रखे हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ता था तो मुझे ये बिल्कुल याद हो गए थे। इसके बाद ही मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जिस दिन संविधान बन के तैयार हो गया था उसमें सिग्नेचर वगैरह हो गए थे, उस टाइम पे इतने सदस्य थे यानी 284 थे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ से हमसे ये पूछा गया है 299 वाला, यानी कि जब देश विभाजित हो रहा था उस टाइम पे कितने थे, 299 थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार किसे दिया गया था। तो आपको अगर पता हो, सोवियत संघ अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे एक पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। आपको ये शायद ना पता हो, चलो मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या था भाई, कि अमेरिका एक ताकतवर महाशक्ति था, सोवियत संघ एक ताकतवर महाशक्ति था। इन दोनों के बीच में हमेशा कठोर टक्कर चलती थी, यानी शीत युद्ध वगैरह चला था। आप 12th क्लास में आने वाले हो, एक महीने बाद आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बता ही रखा है, मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पता लग जाएगा। तो सोवियत संघ जो था ना दोस्तों, सोवियत संघ में क्या था, एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। कितने सालों तक चला था ये शासन, 70 सालों तक। ये 1991 में सोवियत संघ टूट गया था, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया था। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि सोवियत संघ जो है, पुराना सोवियत संघ, उसमें संविधान में निर्णय का अधिकार किसको था। तो भाई यहाँ पे एक ही जवाब है इसका, क्या जवाब है, कम्युनिस्ट पार्टी को। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम रूप में पारित भारतीय संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करे। याद आया आपको बात, वही बात अभी मैंने बताया था ना, 389 सदस्य, बाद में बचे 299, लेकिन जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, सिग्नेचर हुए, उस दिन थे 284। कितने थे दोस्तों, 284 सदस्य। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं। आपको पता होगा कि जब संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी, लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि कितनी थी, ये कह रहा है कि वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। ठीक है, तो हम क्या जवाब देंगे, 12। अगर ये पूछ ले कि भाई मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, यानी ओरिजिनल संविधान में, तो हम बोलेंगे 8 थी। अगर ये पूछ ले वर्तमान में कितनी है, तो बोलेंगे 12 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे स्क्रीन पे है कि संविधान सभा के प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति द्वारा करा था। तो आपको पता होगा कि ये समानुपातिक एकल मत प्रणाली थी, क्योंकि उस टाइम पे यही अपनाया गया था सिस्टम। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट रखी गई थी, ऐसे कुछ था पूरा, वो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया वहाँ बताया था। क्रिप्स मिशन कब आया भारत में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर पे, तो यहाँ से 7वें के बाद 14वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में, तो आपको ये याद रखना है, 42 में आया था। ठीक है, 1942 में आया था। क्वेश्चन ये बनेगा अगला कि क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में क्यों आया था। तो क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में, उसने कहा था कि भारतीय संघ की स्थापना संविधान द्वारा होगी, जिसका निर्माण संविधान सभा करेगी। तो ये सारी बातें करी थी क्रिप्स मिशन ने। अब आते हैं हम आगे, क्वेश्चन ये है हमारा कि संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि भाई संविधान जो है क्यों महत्वपूर्ण है। आप देखो कि भाई हमारे देश में जब भी कोई मतलब हमारे देश में क्या, हर जगह संविधान के अकॉर्डिंग ही काम होता है। ठीक है, तो संविधान के बिना तो शासन अच्छे से चल ही नहीं सकता, तो इसने यही पूछ लिया संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप इसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाओगे कि भाई संविधान जो होता है ना, वो समाज में एक बैलेंस बना के रखता है, संविधान किसी देश के विकास में काम आता है, संविधान सरकार की शक्तियों पे अंकुश लगाने के काम आता है, संविधान किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे बना बना कर भी आप पॉइंट लिख सकते हो। अब दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से सुनना, पेपर में मान लो आपका 100 नंबर का पेपर है, आपको आते हैं क्वेश्चन 60 नंबर के, या मान लो आपको आते हैं 70 नंबर के, या मान लो आपको आते हैं 80 नंबर के। ठीक है, चलो मैंने ये मान लिया कि 100 नंबर का पेपर था और आपको 80 नंबर का आता है, तो आप क्या करते हो,
अगर आप 80 नंबर का करके आते हो और 20 नंबर का छोड़ कर आते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। अक्सर ये गलतियाँ बच्चों से होती है, और मैं जब स्टूडेंट था तो भाई मेरे से भी ये गलतियाँ होती थी। मैं उतने क्वेश्चन जो मुझे आते थे वो कराता था, जो नहीं आते थे वो छोड़ाता था। हर बच्चा ये करता है। पर दोस्तों यहाँ पर आप एक बात, ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप क्या सीखोगे यहाँ से, आप एक नई चीज़ सीखो कि देखो 100 नंबर का पेपर आता है तो आप 80 नंबर का, आपको आता है तो 80 नंबर का तो आपको करना ही है, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन जो 20 नंबर का आप छोड़ के आते हो वो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? अब आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने, अब आपको क्या करना है, उन 20 नंबर के क्वेश्चन को आंसर बना बना कर लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? बना बना कर। और कब लिखने? देखो ये ना आपको क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको नहीं आते जाहिर सी बात है वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं और बना बना कर उनके जवाब देने हैं। क्योंकि देखो पूरे साल आपने पढ़ाई करी है, बेशक से आपने 2 4 क्वेश्चन पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन हो सकता है ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। अगर आपको जरा सी हिंट भी मिल जाए ना कहीं से कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो भाई लगाओ, उठाओ कलम और लिखना शुरू कर दो। यानी कि आप बना बना कर लिखो, पर आप पूरे 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आना, ठीक है? पेपर पूरे 100 नंबर का अटेम्प्ट करके आना। 80 नंबर का आपका बिल्कुल सही होगा, 20 नंबर का आपका थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन 20 में से कम 2 4 6 8 नंबर जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप छोड़ के आओगे तो आपको उसमें से मिलेगा निल, कुछ ना मिलने का, यानी 80 नंबर में से ही आपके नंबर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसी गलती मत करना कि आप पेपर को छोड़ के आ जाओ, ठीक है? संविधान क्यों महत्वपूर्ण है हमने बता दिया। यदि संविधान में मूलभूत कानून नियमों का अभाव हो, यानी मेन जो कानून है और नियम जो है, अगर वो चीज़ ना हो संविधान में, नहीं होते तो क्या होता? सोचो, अगर संविधान में ऐसा नहीं होता तो सब क्या होता? अव्यवस्था फैल जाती, ठीक है? मैं सपोर्टिंग मटेरियल वाले एग्जैक्ट जवाब नहीं दे रहा, मैं आपको कुछ वैल्यू बेस्ड जवाब भी दे रहा हूँ। अव्यवस्था फैल जाती, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते, देश में जो शासन है अच्छे से नहीं चल पाता, ठीक है? अराजकता फैल सकती थी, देश का विकास रुक सकता था, देश में बहुत अंदरूनी समस्याएं आ सकती थी, सरकार तानाशाही हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इतनी सारे पॉइंट बता दिया मैंने आपको, आप मेरी बातों को सुनते जाओ ध्यान से और आप रजिस्टर लेके नोट डाउन कर लो साथ के साथ, क्योंकि ये हमारा रिवीजन हो रहा है। रात के भाई बज रहे हैं इस टाइम पे 12, और मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद भी 12:30 से ज़्यादा हो रहे हैं। गले में काफ़ी पेन है मेरे, खांसी आ रही है 3 4 दिन से पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा पेपर है तो कोशिश कर रहा हूँ यार कि जैसे तैसे चल करवा देता हूँ, जो होता है जितना मेरे बस में है उतना तो मैं करवा ही दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद की मेहनत जो है वो तुम्हें खुद करनी होगी। आगे क्वेश्चन है, संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखो, संविधान के जो दो महत्वपूर्ण काम है वो बताने। तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्या इसका जवाब आप नहीं दे सकते हो? तो बहुत आसान है, तो आप संविधान के काम बता दो भाई। देश में शासन व्यवस्था को अच्छे से सुचारू रूप से चलाना, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण लेना, जनता की भलाई के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना, ये सारे पॉइंट हो जाएंगे इसके, ठीक है? ये बता सकते हैं कि अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है किसके पास होती है, ये संविधान बताता है, ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन, संविधान समाज की सामूहिक भलाई करने वाला स्रोत है, यानी जो संविधान है वो पूरे समाज की भलाई करता है। मान लो भाई ये समाज है, यहाँ पे अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं सब अलग अलग हैं, इन सभी की भलाई के लिए काम करेगा हमारा संविधान। तो उपयुक्त कथन जो है उसको दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया के संदर्भ में समझाइए, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है और हमें इसका जवाब देना है। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में सोचो थोड़ा, कि दक्षिण अफ्रीका जो था वहाँ पे क्या था कि संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण और भेदभाव को समाप्त करना। और इंडोनेशिया का जो संविधान था वहाँ पे सरकारी जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करें। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सपोर्टिंग मटेरियल में से याद करने पड़ेंगे। क्यों याद करने पड़ेंगे? क्योंकि भाई टाइम तो कम है, अब याद नहीं करोगे तो फिर काम चलेगा नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, कुल कितनी बैठकें हुई? आपको पता होगा समय तो 2 साल 2 ईयर 11 मंथ 18 दिन, ठीक है?
यानी ईयर 2 साल, महीने 11 और दिन 18, ये तो लगा टाइम। पर इसमें आगे और भी पूछा हुआ है हमसे, इसमें ये पूछा हुआ है कि कितनी बैठकें हुई। तो भाई हमारे सपोर्टिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग 166 बैठक हुई है, ठीक है। इतनी बैठकें हुई यानी इतनी मीटिंग्स हुई, मतलब बैठक का मतलब होता है मीटिंग, इतनी मीटिंग हुई है 166, और इतना लगा है हमें समय। तो ये था डेटाबेस क्वेश्चन, ये डेटा थोड़ा सा हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, छठा, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन संक्षेप में समझाइए। कि संविधान सभा जो थी उसकी प्रारूप समिति थी, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। कि प्रारूप समिति आपको पता है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रारूप जो समिति थी वो 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में थी। इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है। इसका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना, प्रारूप वगैरह बनाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेहरू जी द्वारा 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के कोई दो उद्देश्य बताने हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ईजी है, आपको बस याद रखना है। नेहरू जी ने यह कहा था कि भारत जो है ना, एक संप्रभु, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। अब यहाँ पे दो तीन वर्ड आए हैं, एक आया स्वतंत्र, इसका मतलब आप सभी को पता है आजाद। अब दूसरा वर्ड आया संप्रभु, और तीसरा वर्ड आया गणराज्य। गणराज्य को इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक, और संप्रभु का मतलब होता है, अब आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा, संप्रभु, संप्रभु का मतलब होता है एक ऐसा देश जो आजाद हो और अपने फैसले अपनी मर्जी से ले सकता हो, तो उसे बोलेंगे संप्रभु। और गणराज्य क्या होता है, गणराज्य वो होता है जिस देश का जो मेन नेता वगैरह जो होते हैं, यानी राष्ट्रपति जो है हमारे देश में, प्रेसिडेंट वगैरह, जिस देश में प्रेसिडेंट चुनाव के जरिए आते हैं, यानी जनता या जो भी मतलब वोटिंग के जरिए आते हैं, उसे रिपब्लिक कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कुछ देश ऐसे हैं वहाँ पे राजा रानी होते हैं, राजा उनका शासन होता है, तो वो रिपब्लिक नहीं कहलाते हैं, ठीक है। भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति वगैरह हैं, प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इनका क्या होता है, इनकी वोटिंग होती है। ये थोड़ी ना है कि जैसे आज मोदी हैं तो कल को मोदी के बेटे बनेंगे, परसों वो बनेंगे वो बनेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। या मतलब जैसे मतलब कि कई जगह ऐसा होता था, एक व्यक्ति है, उसके बाद उसका बेटा बन गया, उसके बाद उसका बेटा बन गया, उसके बाद, यानी परिवार वाला सिस्टम चलता आ रहा है भाई, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, वोटिंग के जरिए होगा। तो समझ गए ना आप, गणराज्य, संप्रभु गणराज्य। दूसरा है कि भारत के सभी लोग जो होंगे ना, उनको न्याय मिलेगा, कानून के सामने वो क्या होंगे, समान होंगे, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे जो हो, सभी को समानता मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं हम 4 अंक वाले प्रश्न पे, भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को समझाइए। कि हमारी जो संविधान सभा है उसका गठन किस तरीके से हुआ था, हमको ये बताना है। तो आपको पता होगा भाई, संविधान सभा बनी थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946। ये मैंने आपको उसी टाइम बताया था, अगर याद हो तो। पहले में तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी सदस्य बने थे। दूसरे में उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, ये था। अब बताना है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। आपको पता होगा, पहले सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल सदस्य, 389 हमारे संविधान में सदस्य थे, ठीक है। अब इसमें क्या था, 292 प्रांतों, 292 तिरा, ये प्रांत से हो जाएंगे, ये रजवाड़े रियासतों से हो जाएंगे 93, और जो 4 थे वो ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी बोलते थे उसको, चीफ कमिश्नरी, जैसे वो कर्नाटक का कुर्ग वगैरह हो गया, मुंबई वगैरह, तो वो उस पे आते थे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी कि भाई ऐसे ऐसे होगा। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, यही है भारतीय संविधान सभा का गठन, इस तरीके से संविधान सभा बनी है। टोटल इतने सदस्य, इतने सदस्य यहाँ से, इतने सदस्य यहाँ से, इतने सदस्य यहाँ से। आगे देखो सॉरी, क्वेश्चन पढ़ो एक बार दूसरा ध्यान से, फिर बताता हूँ।
भारतीय संविधान सभा के गठन की किन्हीं चार कमियां बताओ। कि हमारे जो संविधान सभा जो बनाई गई थी ना, उसकी कुछ कमियां बतानी है हमें। तो ध्यान से देखो क्या कमी हो सकती है। इसमें पॉइंट लिखे हैं, प्रभु सत्ता की कमी, प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, देसी रियासतों का संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया, और ये सारी कमियां थी। इसमें बात क्या थी, जो प्रांत थे ना कुछ, उनमें से अच्छे से नहीं लिए गए थे लोग। फिर रजवाड़े वगैरह अच्छे से शामिल नहीं हो रहे थे, ये वाली भी कमियां थी। और संविधान सभा का जो चयन हुआ था वो सही तरीके से नहीं हुआ था। तो ये कुछ कमियां है भाई, ये जो पॉइंट है ना आपको संविधान, इनमें से आपको डिक्टो बिल्कुल आपको उसमें से रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। मैंने अगर उन वीडियोस में समझाया, अगर आप वहां से देख के समझ सकते हो तो समझ लो। संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा सा समूह ही नष्ट कर देता है। इस कथन के संदर्भ में भारतीय संविधान की मजबूती देने के लिए क्या-क्या प्रयास करे गए। तो भाई भारतीय संविधान इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान को नष्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। आपको पता होगा दुनिया के सबसे सफलतम संविधान में भारत का संविधान आता है। बहुत सारे देश हैं, जापान सॉरी नेपाल और फ्रांस वगैरह, जहाँ पे संविधान कई बार बनाए। हमारे संविधान में क्या है कि शक्तियाँ जो है ना वो अलग अलग हिस्सों में बांट रखी है, यानी एक बना दी संघ सूची, एक बना दी राज्य सूची, एक बना दी समवर्ती सूची। संघ सूची जो है उसका काम केंद्र, मतलब इससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उस पर केंद्र सरकार काम वो कानून बनाएगी। राज्य सूची में से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उस पर राज्य की सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची मतलब जिसमें दोनों ही बना सकती हैं। तो इस तरीके से काम बांट रखे, ऐसे ही वो चुनाव वगैरह तरीके से होंगे, और राज्यों को अलग शक्तियां हैं, केंद्र केंद्र को ज़्यादा मजबूत बना रखा है। तो ये सारा है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि भारत के संविधान को नष्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। नेपाल में संविधान निर्माण विवाद बताना है। आपको पता होगा नेपाल का संविधान जो था ना, एक ऐसा संविधान था जो पांच पांच बार टूट चुका है, यानी नेपाल में संविधान कामयाब ही नहीं हो पा रहा। तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। अब यहां से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो आ सकता है आपके एग्जाम में, वो ये है पांचवा, एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान कौन कौन से हैं। यानी आपको ये बताना कि कोई मान लो एक संविधान है, अगर वो सफल संविधान है तो उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए जिससे वो सफल संविधान हो सकता है। तो देखो भाई सोचो ध्यान से कि भारत का संविधान जो है एक सफल संविधान है, तो हमारे देश के संविधान में कुछ विशेषता होती है तो वो भी हम बता सकते हैं। कि देखो भाई प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य होना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति संविधान को का सम्मान करे, उसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन हो। फिर क्या हो भाई, सबको समान, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके जो सपोर्टिंग मटेरियल के जवाब हैं वो हो सकता है आपको थोड़े ज़्यादा वो लगें, मैं सिंपल सा लिखता हूँ। संविधान में सभी को समानता होनी चाहिए, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, यानी किसी भी धर्म का हो सबको समान हो, कानून के समक्ष सभी समान हो, ठीक है, गरीबों की रक्षा हो, ठीक है। सरकार के जो तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच में एक बैलेंस बनाओ, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका हो। अगर ये सारी चीजें होंगी ना तो क्या होगा, संविधान अपने आप ही सफल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अब क्वेश्चन जो है अगला देखो, छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्थाओं को स्वीकार किया, कैसे, समझाइए। आपको पता है कि भाई हमारे संविधान के तहत हमारे देश में जो शासन है वो कैसा शासन है, हमारे देश में संसदीय शासन है, यानी कि संसद के अकॉर्डिंग चलता है काम। संसद है एक, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये सारे आप पढ़ ही चुके हो। और क्या होता है संसद में, दोनों सदनों में, एक राज्यसभा एक लोकसभा, पहले यहाँ पे जाता है प्रस्ताव, यहाँ बहस होती है, यहाँ से पास होता है,
फिर यहाँ पे जाता है, यहाँ बहस होती है, तब पास होता है। तो ये वाला सिस्टम है, इस तरीके से क्या है, ये सिस्टम बनाया गया ताकि मजबूत हो। संघात्मक व्यवस्था, आप जानते हो कि हमारे देश में जो केंद्र की सरकार है उसको ज़्यादा शक्ति है। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार पूरे देश को देखती है, राज्य की सरकार केवल अपने राज्य तक सीमित रहती है। अगर राज्यों को ज़्यादा शक्ति दे देंगे तो राज्य अपनी अपनी बस चलाएंगे, लेकिन केंद्र को मजबूत करने का मतलब है वो पूरे देश का ध्यान रखेगी। तो इस तरीके से है ये। अब देखो अगला क्वेश्चन कि ये जो कार्टून आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ध्यान से देखो, ये कौन है? ये नेहरू जी हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दो मुंह वाला आदमी कौन है, तो आप जवाब देगो दोगे नेहरू जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति के दाईं और बाईं ओर बैठे सदस्य किस विचारधारा पे बात कर रहे हैं। तो इसमें एक तरफ है जो पश्चिमी विचारधारा यानी जो यूरोप ब्रिटेन की बात करते हैं, दूसरे जो हैं वो कौन से हैं, वो हमारी भारतीय विचारधारा यानी अपनी संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति। एक है पश्चिमी संस्कृति की बात करते हैं, एक भारतीय संस्कृति, और उनके बीच में बेचारे फंस गए नेहरू जी और चल रहा है उनका वाद विवाद। अगला क्वेश्चन है, दोनों विचारधाराओं को बैलेंस करने के लिए क्या निर्णय लिया गया। तो दोनों को संतुष्ट करने के लिए जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया गया। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो भाई इस तरीके से मैंने क्या करा है, अब आप कहोगे कि भाई आपने तो पूरा सपोर्टिंग मटेरियल ही पढ़ा दिया। तो दोस्तों लास्ट टाइम पे अगर हमें तैयारी करनी है तो सपोर्टिंग मटेरियल काफ़ी है। आप इस वीडियो को देख भी लोगे ना ध्यान से और सुन लोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप पेपर में जब जाओगे ना, पेपर में पता है क्या होता है, हमारा दिमाग ना पता नहीं कहाँ चलता है, सारा जो पढ़ा पढ़ाया ज्ञान होता है वो रखा का रखा रह जाता है, उस टाइम पे पेन अपने आप ही चलता है और हम ना जाने क्या लिख रहे होते हैं। तो अगर आपने बातों को ध्यान से सुना होगा ना तो आपको अपने आप ही बहुत सारे पॉइंट उस टाइम पे याद आएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनो और समझो। ये खाली डेमो वीडियो है, आगे मैं बनाऊंगा ना, जो मैं सेकंड चैप्टर की वीडियो, मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सॉरी। आगे देखो, क्वेश्चन है 6 नंबर का, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो देखो भाई, संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए क्योंकि देश में सबसे कानून बनाने में संविधान का इस्तेमाल होता है, शासन चलाने के लिए संविधान का इस्तेमाल होता है, सरकार अगर शक्तियों का दुरुपयोग ना करे तो संविधान रोकता है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में तालमेल बनाने की जरूरत है तो संविधान करता है, लोगों के बीच में तालमेल की जरूरत है तो संविधान करेगा। तो ये सारी चीजें जो संविधान ही तो करता है ये सारे काम, ठीक है। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की रचना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किस समिति द्वारा किया गया था। तो आपको पता होगा कि जो संविधान सभा की रचना हुई थी ना, वो एक कैबिनेट मिशन आया था भारत में, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के अकॉर्डिंग ही हुआ था, कैबिनेट मिशन आया था भारत में उसके अकॉर्डिंग हुआ था ये सारा काम, ठीक है। उसने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे मतलब लोग रखो, यहाँ से तुम्हें ऐसे चुनाव करो, इतने सदस्य होने चाहिए, तो वो सारी चीजें। ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये इस तरीके से 389, 292, 93, 4, ये रियासत, और ये ब्रिटिश चीफ, ब्रिटिश भारत, और ये चीफ कमिश्नरी। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा, ये कैबिनेट मिशन ने दिया था हमें, इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन में, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ये हो गया। इस योजना के प्रस्ताव को बताना है। तो इसमें बताया गया था कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में बांटा जाएगा। उस टाइम पे क्या था, एक मुस्लिम समुदाय था, एक हिंदू समुदाय था, एक सिख, इनके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा, ठीक है। जो हिंदू आ जाएगा वो जनरल में आ जाएगा, सामान्य। इसके बाद क्या था कि जो विधानसभा वगैरह जो होंगे उसके प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि को चुना, और ये पूरा जो इस तरीके से ये तरीका बनाया गया था। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, मैं आपको ये बताता हूँ।
अगला क्वेश्चन पढ़ो आप थोड़ा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं बताओ। अब ये भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। यहाँ से ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। एक तो पहले नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की विशेषता बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। तो विशेषता बताओ भाई, आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्या लिखेंगे सबसे पहले विशेषता? बड़ा बड़ा संविधान। दूसरी विशेषता, दूसरी बताओ, सोचो। ना तो भाई ज्यादा लचीला है, ना कठोर है, ना ज्यादा लचीला, और क्या हो सकता है इसमें? क्या है फिर ये हमारे संविधान में? किसी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया गया, आपको पता होगा सार्वभौमिक। मैं सारे वो वाले आंसर नहीं लिखवा रहा आपको, सपोर्टिंग वाले याद रखना, अलग से लिखवा रहा हूँ, तो आपको सपोर्टिंग से अच्छे लगे तो वहाँ से भी पॉइंट ले सकते हो। यानी कि जो भी हमारे देश में आज के टाइम पे 18 साल का है उसे वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग कुछ भी हो। इसके बाद है हमारे देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, आपको पता होगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये भी विशेषता हो जाएगा। फिर क्या है? संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, ये हो सकता है। फिर और बताओ क्या है विशेषता? मौलिक अधिकार दिए हुए, ये भी तो विशेषता हो सकती है भाई, मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, नागरिकों को मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भी हो जाएगी विशेषता। धर्म निरपेक्ष है, ये भी विशेषता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है विशेषता है? ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण सहित इस बताना है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीलापन का समन्वय है, यानी भारत का संविधान ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है, इन दोनों का मिश्रण है, ये बताया गया आपको। देखो, क्योंकि हमारा संविधान ना इतना कठोर भी नहीं है कि मतलब उसमें कोई बदलाव ना किया जा सके, और इतना लचीला भी नहीं है कि कोई आसानी से बदलाव कर दे, ये है। तो इसके लिए उदाहरण दे के आप बता सकते हो कि भाई हमारे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा वाला सिस्टम है, पहले अगर बदलाव करता है तो राज्यसभा में जाएगा, दो तिहाई बहुमत होगा तब जाके अगले सदन में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है तब जाके मतलब कहीं जाता होता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा संविधान जो है ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें। आगे की वीडियोस इससे अच्छी होंगी, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा हर चीज़ को। ठीक है, तो ये एक ऐसे ही नॉर्मली सपोर्टिंग मटेरियल से एक डेमो था। आपको मेरी बताई हुई अगर 20-30% बातें भी समझ में आ गई है ना अच्छे से, तो समझ लो बहुत है। क्योंकि हमें क्या करना है, एक लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन करना है, बस एक बार वीडियो देख ली उसके बाद आपको सपोर्टिंग पढ़ना है। अब एक चीज़ आपको और करनी है, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि भाई हमेशा ना आपको सिर्फ समरी पढ़नी है। ठीक है, अपने उसमें से सपोर्टिंग मटेरियल से सबसे पहले सिर्फ समरी पढ़नी है, उसको हाईलाइट करना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आना है, फिर उसके बाद जो नहीं आते उन क्वेश्चन को कट करना है, नहीं आते उसको कट करना है, जो आता है उस, ठीक है, जो नहीं आते फिर उन क्वेश्चनों पे हमें ध्यान देना है।